फ्यूचर को रुपए से मत तोलो गौरव। मैं अंकुश सर को शायद 3 साल से देख रहा था इंटरनेट पर, मतलब ऑनलाइन पर। तो सर शायद मुझे पहले स्टार्टिंग में ये था कि शायद ये कहीं फेक ना हो जाए, है ना, मतलब होता है डर क्योंकि रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, छोटी नहीं होती है। इंटरनेट पर देखे थे कुछ, कोई 3,000 रुपये में सिखा रहा था, कोई 5,000 में सिखा रहा था, लेकिन आपका सबसे महंगा था। तो मैंने एक बार बस ये ठाना था इनमें से किसी का ज्वाइन नहीं करना है, करना है तो सबसे महंगा वाला करना जो है अंकुश सर का। तो सर जितना मैं सोचकर आया था रियली मैं आज उतना लेके जा रहा हूँ। तो सर क्या है, मतलब मैं सर 1-to-1 किसी से जब बात करता हूँ तब तो मैं ज़्यादा स्टैमर नहीं करता हूँ, बट लेकिन ज़्यादा ही पब्लिक आ जाती है, जैसे कि मोर देन 3-5, और वो भी कभी अपने दोस्त हो वहाँ पर भी कभी कभी मैं स्टैमर कर जाता हूँ। लेकिन हाँ ये तो श्योर है कि मैं जैसे किसी भी दुकान पर या किसी से बात करूँ, स्ट्रेंजर हो चाहे वो, लेकिन वो 1-to-1 होना चाहिए, तो मैं उससे कुछ ही बात कर सकता हूँ, एवरीथिंग बिना विदाउट एनी स्टैमर। लेकिन हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी बस यही है कि शायद ना मुझे क्या है, मतलब एक एकदम फियर हो जाता है कि मेरे पास टाइम कम है और मैं कहीं अटक गया तो मुझे डर होता है, उसकी वजह से शायद मैं स्टैमर करता हूँ। मैंने अपने हर डाउट का जैसे ही कुछ दिक्कत आई लिख लिया, नोट कर लिया और आपसे पूछ लिया, और जैसे ही आपने सोल्यूशन बताया मैंने उसका यूज किया और फाइनली मुझे ग्रोथ मिलती रही। और अब मैं जब कहीं सडनली किसी से बात करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है तुम गौरव जीत गए, यू विन, अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, अब बस जीतना है और जिताना है तो और लोगों को भी जो स्टैमर कर रहे हैं भी। मैं बस ये चाहता हूँ कि सर जो मेरे अंदर एंजाइटी है, फियर है, वो ठीक हो जाए, मेरी यही एक्सपेक्टेशन है। और सर जितना मैं कर सकता हूँ उतना दूंगा एफर्ट इस बन पूरा। मैंने सबसे अच्छा एक काम किया था कि आपको मैं एक आइडियल मानता था, ऑल स्पीच थेरेपिस्ट में आपकी फीस ज़्यादा है तो आप कंटेंट भी शायद उसी लिए अच्छा देने वाले हैं। सर आपका एक अच्छी चीज़ लगी कि आप कुछ छुपाते नहीं, सो थैंक यू सर एंड आपकी पूरी टीम के लिए, थैंक यू।